दिस इज कैलाश जोशी, वेलकम टू आवर चैनल सीएच इंजीनियरिंग ज्ञान। आज का हमारा जावा में टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। तो इस वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ओप्स के जो कॉन्सेप्ट है हमारे जावा में वो कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि जावा में क्या क्या फीचर हमारे यूज हो सकते हैं या कैसे हम जावा के प्रोग्राम को रन कराएंगे, कैसे हम क्लासेस डिजाइन करेंगे, वो सब कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे यूज होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, ओप्स का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ओप्स का फुल फॉर्म है यहां पर, इसका मीनिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि जावा जो है, फीचर की बात करते थे हम, तो जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब वो क्या फीचर यूज करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है, क्या उसके फीचर होते हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, विशेषताएं क्या है उसकी, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है ओप्स का वो होता है आपका क्लास, क्लास। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है ऑब्जेक्ट। इन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। तो अगर हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर हम क्लास को डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ही एक पार्ट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक मेन एंटिटी होती है, इसको हम एक्टिव एंटिटी भी बोल सकते हैं। एक्टिव एंटिटी, एक्टिव एंटिटी का मीनिंग है जो एक्चुअल में हमारा वर्क परफॉर्म करेगा प्रोग्राम के अंदर, वो करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम क्लास की बात करते हैं, मान लो आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में स्टूडेंट है, डिफरेंट स्टूडेंट है, तो वो जो डिफरेंट स्टूडेंट है वो अलग अलग क्या है, वहां पर एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो एक क्लास है, ये क्लास आपकी है सीएस की क्लास है, इसमें कोई अमन नाम का स्टूडेंट है, कोई अरुण नाम का स्टूडेंट है, या कोई अंकित नाम का स्टूडेंट है, तो ये क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट क्या है, विशेषताएं हैं। इस अमन का कुछ नेम तो यही है अमन, इसका रोल नंबर भी होगा, इसकी ब्रांच होगी, इसका एड्रेस होगा, उसके अलावा इसमें इसका हाइट होगी, इसकी वेट होगा, तो ये डिफरेंट इसके क्या कहलाएंगे, ये इसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है जो इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है कि एक्चुअल में कुछ पता चल रहा है आपको। जैसे मैं बोल रहा हूं नेम, तो आपके इमेज बन रही होगी कि उसका कुछ नाम होगा। रोल नंबर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका उसमें भी कुछ ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि एक क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिजाइन होते हैं। तो क्लास का पार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और क्लास के अंदर जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है वो कौन करता है, हमारा ऑब्जेक्ट ही वर्क परफॉर्म करता है। तो अब ऑब्जेक्ट के बारे में तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो होती है एक्टिव एंटिटी होती है जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करती है। तो अब क्लास की अगर बात करें तो क्लास होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो हमारे बनता है क्लास, बट क्लास एक्चुअल में वर्क परफॉर्म नहीं करती है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव एंटिटी। पैसिव एंटिटी ये एक्चुअल वर्क परफॉर्म नहीं करता है, इसके अंदर क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू वर्क परफॉर्म किया जाता है। अगर मैं इसी में एक एग्जांपल और बात करें, हम जैसे हम ले लेते हैं फ्रूट्स का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स में अब हम लोग जो एक्चुअल में खाते हैं वो फ्रूट्स तो खाते नहीं, उसके अंदर जो है एक्चुअल में हमारा क्या होगा, या तो हम बनाना खाएंगे, या आप लोग एप्पल को खाओगे, या इसमें ऑरेंज। तो इन सबको कलेक्ट करके हमने एक वर्ड बना रखा है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स एज अ टेम्पलेट हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं हमने उनको मर्ज करके किसी के अंदर रखा हुआ है। तो वो क्या है, ये यहाँ पर फ्रूट्स जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, और डिफरेंट टाइप के जो एक्चुअल वर्क हो रहे हैं जिनको एक्चुअल में हम लोग खा रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो ये होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर बात करते हैं तो बनाना है, बनाना का शेप होगा, इसका कलर होगा, तो उस टाइप से हम लोग इसके एट्रीब्यूट भी हम लोग डिफाइन
कर सकते हैं। तो ये थी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सीरियसली हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट एक एक्टिव एंटिटी होती है जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जबकि क्लास जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो कॉन्सेप्ट तो इसके में ये हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो वर्ड से ही समझ में आ रहा, इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब होता है यूज करना, किसी और की वैल्यू को इनहेरिट कर लेना, मतलब अपने पास रखना, वो कहलाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, यूज करती है, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब अगर हमारे पास कोई एक क्लास, मान लो एक ए क्लास है, इसमें कुछ हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं या कुछ हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इन्हीं फंक्शन और वेरिएबल को अगर आपकी क्लास बी एक्सेस कर लेती है, जैसे यहां पर हमने डेटा मेंबर हमने डिफाइन किए हैं और मेंबर फंक्शन आपने यहां पर डिफाइन किए हैं, मेंबर फंक्शन डिफाइन किए हैं, इन्हीं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को अगर कोई दूसरी क्लास क्या करी, एक्सेस करी है, तो वो कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। तो ये हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करेगी, यूज करेगी, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिट कर लेना। जैसे अगर हम एग्जांपल की भी बात करते हैं तो लाइफ एग्जांपल ये होता है, जैसे फादर की प्रॉपर्टी को उसका चाइल्ड इनहेरिट करता है, तो वही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर इनहेरिटेंस का भी है। अगर आपने कोई क्लास बनाई है उसके डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास डायरेक्ट यूज करी बिना इनिशियलाइज किए, बिना उनको एक्टिव किए, तो वो कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, इसको बोलते हैं पॉली का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, पॉली पॉलीमॉर्फिज जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मॉर्फिज। इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज का मतलब होता है फॉर्म, मैनी फॉर्म। सीरियसली हम बोल सकते हैं यहां पर वन नेम मैनी फॉर्म, नाम एक है बट वो बहुत सारे अलग अलग काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज। वन नेम many form is called polymorphism। यानी अगर हम कोई, मान लो हमने क्लास के अंदर कोई एक फंक्शन बनाया, मान लो हमारी ये क्लास ए है, इसके अंदर हमने कोई सम नाम का फंक्शन बनाया और यहां पर ये इंटीजर ए इंटीजर बी दो वेरिएबल को सम कर रहा है। इसके बाद हमने फिर से एक फंक्शन, फिर से सेम नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने इंटीजर ए इंटीजर बी इंटीजर सी तीन वैल्यू को प्लस कर दिया, तो नेम तो फंक्शन का एक ही है, एक टाइम पर वो दो वैल्यू को सम कर रहा है, दूसरे टाइम वो तीन वैल्यू को सम कर रहा है, तो नाम एक है बट वो काम क्या कर रहा है, अलग अलग परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज। वन नेम मैनी फॉर्म्स, नाम एक है बट वो काम बहुत सारे कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज। ये आपका नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है इसमें इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। रैप का मतलब होता है इकट्ठा, बहुत सारे डेटा को क्या करता है, एक यूनिट पर इकट्ठा करके रख देना, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये वर्ड जो आया था आपका कैप्सुलेशन, कैप्सूल, जैसे हमारी कोई डॉक्टर हमें जो कैप्सूल देता है उसमें डिफरेंट टाइप के हमारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो सारे कैप्सूल के अंदर इनबिल्ड होते हैं, वैसे ये भी ये बोल रहा है कि रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट, एक क्लास के अंदर, एक सिंपल क्लास के अंदर आप यहां पर क्या कर रहे हैं, उसके डेटा मेंबर भी एक्सेस कर ले रहे हैं, इकट्ठा कर ले रहे हैं डेटा मेंबर, उसके अलावा मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं, इसके अलावा आपने ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास का,
तो यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं रैपिंग, यानी इकट्ठा करके रख देना एक सिंगल ग्लास के अंदर डिफरेंट डेटा को, वो कहलाता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट करके रख देना यानी इकट्ठा करके रख देना डिफरेंट वैल्यू को एक यूनिट के अंदर, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। या का हो गया नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा की आपको कोई नॉलेज नहीं है बट आप क्या करें फिर भी उसे यूज करें, तो वो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है नॉलेज आपको किसी चीज की नहीं, इसमें ऐसे ऐसे फंक्शन है डायरेक्ट आपने उनको यूज करना है, उसके बारे में आपने नहीं दे, पैकेज आपने डिफाइन करना है इसमें, और फंक्शन की डेफिनेशन पहले से ही बनी हुई है सिस्टम में या लैंग्वेज के अंदर, पहले से डिफाइन है कि इस फंक्शन का काम क्या है या इस वेरिएबल का क्या काम है, तो वो पहले से डिफाइन है, हमें डायरेक्ट उसको यूज कर लेना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको अगर समझें एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, जैसे आप टीवी का रिमोट की बात करते हैं, टीवी के रिमोट में आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं, वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, बट आपको उसके अंदर के फंक्शन नहीं बता कि वायरिंग कैसे कनेक्टेड है, तो ये सब होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि विदाउट एंड अंदर की नॉलेज आपको कुछ नहीं है बट आप क्या करें डायरेक्ट मेथड को यूज करें, तो वो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इसका एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद आता है मैसेज पासिंग, ये भी इसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है मैसेज पासिंग। अब अगर ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करना है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे को ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना है या क्लास को ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो किसी ना किसी मैसेज को पास करके जो होगा वो कम्युनिकेट होगा। जैसे मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो किसी ना किसी, मैं कुछ बोल रहा हूं तब हम दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका मैसेज पासिंग। किसी मैसेज पास करके हम क्या करेंगे कम्युनिकेट कराएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपस में। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे आपके ओप्स के। सबसे पहला आपका क्लास था, क्लास तो सिंपल, और ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, मेन एंटिटी होती है जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करती है हमें प्रोग्राम के अंदर। इसके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं या डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कनेक्ट होकर हमारा एक क्लास डिजाइन होता है, तब हमारी एक क्लास बनती है। तो क्लास एक सिंपल टेम्पलेट होता है जिसके अंदर एक्चुअल वर्क जो परफॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट करता है। अगर हम सिंपल मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मोबाइल फोन जो फोन है वो हमारा एक क्लास है, बट उसके अंदर डिफरेंट आपने ऑब्जेक्ट क्या करें स्टोर किए हैं, तो एक्चुअल वर्क वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने कोई ऐप चलाना है तो वो वहां पर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मोबाइल नहीं कर रहा है कुछ, ऐप कर रहा है काम, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। इसके बाद होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है आपका जब एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसका कॉन्सेप्ट आप सीधे ले सकते हैं, जब फादर की प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करता है, उसका चाइल्ड इनहेरिट करता है, तो वो कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। यूज करना प्रॉपर्टी को, यूज करना उसके फंक्शन, उसके मेथड, उसके मेंबर फंक्शन को यूज करना, वो कहलाता है इनहेरिटेंस। इसके बाद आता है आपका पॉलीमॉर्फिज। पॉलीमॉर्फिज का मीनिंग होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज का मतलब होता है फॉर्म। मैनी फॉर्म्स, वन नेम मैनी फॉर्म्स, एक नाम बहुत सारे काम, उसको बोलते हैं आपका पॉलीमॉर्फिज। इसके बाद आता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट के अंदर रैप मतलब इकट्ठा करके रख देना डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, उसको कहलाता है आपका इनकैप्सुलेशन। जैसे एक क्लास है हमारी, वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके अंदर आप डेटा मेंबर भी रख सकते हैं, मेंबर फंक्शन भी रख सकते हैं, तो वो एज अ इनकैप्सुलेशन का काम करता है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है विदाउट एनी नॉलेज वी यूज द प्रोग्राम या वी यूज द इंफॉर्मेशन। हमें कोई पता नहीं है उसकी, इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। जैसे आप टीवी का रिमोट की बात करते हैं तो टीवी के रिमोट के अंदर के फंक्शन ही आपको नहीं पता, बट उसको हम क्या करते हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं, तो वो एज अ एब्स्ट्रैक्शन है। इसके बाद आता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब होता है जब आपको कम्युनिकेट करना है या ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करना है, तो वो किसी ना किसी मैसेज पासिंग के थ्रू, मैसेज कुछ देगा दूसरे ऑब्जेक्ट को तब वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो वो होता है हमारा मैसेज पासिंग। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है आपके ओप्स के जो हमारे जावा में भी यूज होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड।